कार्य के प्रति जागरूक रहे। और मेरा सवाल आप लोगों से, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है, दोनों हाथ उठा के बताओ जहां तक आवाज आ रही है, अब मेरी बात का जवाब दो। जब मैं आता हूं आप मेरे आगे शिक्षा रखते हो कि यहां रेप हो गया है, यहां हत्या हो गई है, यहां गोली से उतार दिया गया है, यहां बहन को तेजाब जला के दम मार दिया गया है, यहां हमारी जमीन दबा दी गई है, मेरे लेबर मानने और काशीराम ये कहते थे कि कमजोर लोगों पे ही अन्य अत्याचार होता है। आप इतनी संख्या में मध्य प्रदेश में हैं, फिर आप इस मध्य प्रदेश में कमजोर क्यों हैं? कभी आपने सवाल मुझसे पूछा? अगर आप कमजोर बने रहेंगे तो ये घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती रहेंगी मेरे साथियों। अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं तो 365 दिन आपको स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को सड़क पे लड़ना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपकी आवाज मुझसे बहुत हल्की है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि एक ऐसा सवेरा 2023 में मध्य प्रदेश से एक ऐसा सूरज निकलेगा कि किसी बहन की तरह आंख उतारने से पहले अपराधी 1000 बार सोचेगा। किसी कमजोर की जमीन दबाने से पहले, उसके मकान को छीनने से पहले, उसको सताने से पहले, उसको घोड़ी से उतारने से पहले 1000 बार उसके सपने में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगी। मेरे आपसे इस पानी के घूंट से मेरी प्यास तो बुझ गई है, लेकिन जो ज्वाला, जो जुनून, जो आग आपके अंदर लगी है, वो इस पानी से ठंडी नहीं होनी चाहिए। वो तब तक ठंडी नहीं होनी चाहिए जब तक मध्य प्रदेश की सत्ता में आप लोग काबिज नहीं हो जाओ, तब तक वो साथ ठंडी नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक अनुरोध मेरा आपसे भी है, मुझे अगर आप दिल से पूछोगे, ईमानदार होने के नाते मैं आपसे सच कहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप नेमावर का भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन टूटने से हम लोग जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। एक तो मेरा पहला आपको निर्देश है कि जो भी साथी इस अभाया रैली में आए, चाहे वो ना आए, लेकिन आए तो हेलमेट लगा के आए। मेरी आवाज बात समझ आई आपको? अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी इस अपील को जरूर मानो, क्योंकि एक साथी को मैं सागर में खो चुका हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, आप एक एक व्यक्ति मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके प्यार से मैं यहां मंदसौर की धरती पे अपने घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, परिवार से भी ज्यादा बड़ा परिवार यहां देख रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी जान मेरे लिए बड़ी कीमती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता हूं, आप जानते मेरा नेचर नहीं हाथ जोड़ने का, मैंने झुकना कभी सीखा नहीं है, लेकिन आपकी जान मेरे लिए कीमती है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे आप 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज ना कराएं, चाहे आप 1 टाइम का खाना जो है वो कम कर दें, लेकिन एक अच्छा हेलमेट जरूर खरीद लें, क्योंकि अगर आप में से किसी को कुछ हो जाता है तो शायद मैं अपने आप को खुद को जो है माफ ना कर पाऊं, या फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि हो जाए तो मेरी सभा को कमजोर आप लोग मत आया करो। लेकिन क्योंकि आपकी एक लापरवाही
घर में जो माँ और बहन है, जो पिताजी है, उनके सारे सपने कुचल देगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया जो है, हम जब संविधान की बात करते हैं, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो जो कानून बनाया गया है वो हम पे भी उतना ही लागू होता है जितना दूसरे पे होता है। तो मेरा आपसे निवेदन कि आप संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में इतने ताकतवर बनो कि जो लोग आज आपका अपमान करते हैं वो भी आपको ऐसे आंख उठा के देखे। इतने ताकतवर बनो लेकिन संविधान के दायरे में बनो। तब जब हम अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी तभी विरोधी साजिश रच के छोटी छोटी सेना और संगठन से हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी या हमला सामना करवाने का काम करता है। हमें दुश्मन की साजिशों से सावधान रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो टकराने से नहीं, वो कामयाबी के रास्ते पे तेजी से चलने से पूरा होगा। तो छोटी मोटी सेना पहना के चक्कर में मत पूरा करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेहनत से अपना काम किया करो, गांव गांव जाया करो, समाज के लोगों को तैयार किया करो। मुझे हवा लगेगी इसलिए आप ये कूलर चला रहे हो, इसको बंद कर दो। धन्यवाद। देखो, जब मेरा समाज यहां सुबह से बैठा हुआ है और मैं तो यहां मंच पे हूं, वो यहां पसीने पसीने हैं, तो मुझे भी अधिकार नहीं कि मैं स्कूलर की हवा लूं। ये भी समाज के साथ धोखा है। मैं यह धोखा स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपसे कहना था जो मेरी बात पे गौर करो। देखो, पूरे देश में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, इसको छोड़ दो कूलर को, इस कूलर की हवा से ज्यादा जो है, जो मैं दुख पूरे देश में रोज देखता हूं। अभी वहां बिहार में हमारे एक हॉस्टल में गोली चला दी गई कल रात, तीन बच्चों को गोली लगी, एक की हालत गंभीर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये अत्याचार आपके जीवन में जब तक रहेगा, जब तक आप इसको रूम कोर्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। एक एक घटना में मैं भी जाना चाहता हूं, आप भी चाहते हो कि कोई घटना हो जाए तो भैया आ जाए, मगर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या घटनाओं पे जाने से घटनाएं बंद हो जाएंगी? बंद कैसे होगी आप ये बताओ, आप बताओ बंद कैसे होंगी? मैं बताता हूं बंद कैसे होगी। ये लोकतंत्र है, बहुमत का शासन, जिनका वोट उनका राज। इसलिए हमारे लेबर ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो जब वोट आपके पास है तो आपका राज क्यों नहीं है, आप इस बात पे क्यों नहीं सोचते? फिर दूसरी बात, उन्होंने कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, या 90% संख्या बहुजन समाज के लोगों की है और उनकी हिस्सेदारी नखून के बराबर है। वो कांग्रेस बीजेपी में रहते अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा सकते। इसका उदाहरण है राजस्थान कि वहां दलितों की खाल खींची जा रही है, दलित समाज के लोग पलायन को मंजूर है, उनकी पार्टियों में, सरकार की पार्टियों में बैठे नेता इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने समाज की आवाज उठा दे। और यहां भी इस सरकार में भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से काफी बड़ी संख्या में SC ST और OBC के विधायक और MP भी मौजूद हैं, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जाके अपने समाज के लिए एक आवाज उठा दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इन तनखरीय नेताओं का भरोसा छोड़ दो और इस बार पूरी ताकत लगा के अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो गांव गांव जाके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो और भाईचारा पैदा करके वोट कितनी बड़ी ताकत है,
वोट इतनी बड़ी ताकत है कि इस वोट की वजह से जो लोग आपकी गलियों में भी नहीं आया करते थे, जो लोग आपको छूना भी पाप समझते थे, वो भी आज आके आपके पैर पकड़ने का काम करते हैं। कोई आपके यहाँ खाना खाने का नाटक करता है, कोई आपके पैर धोने का नाटक करता है, कोई आपके यहाँ समरसता भोज करता है। ये इतनी बड़ी ताकत, जहाँ जो लोग आपको छूना पसंद नहीं करते थे, आज वो आपके घरों में आकर बैठते हैं। अगर ये ताकत अगर कोई है, तो ये ताकत सिर्फ आपकी वोट है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चे कुर्बान किए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, जिस रहबर ने अपने चार बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए कि हम इस देश में आजादी से जीत सकें, उस रहबर के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? इतनी हल्की आवाज मैं तो मैं समझता हूं कि क्या तो आपने खाना नहीं खाया, या अब आप गर्मी से थक चुके हो। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं कि जिस रहबर ने अपने चार बच्चे इसलिए कुर्बान कर दिए कि चंद्रशेखर आजाद के तन पे अच्छे कपड़े रहे और कमजोर वर्ग को समानता अधिकारों का आजादी का जीवन मिले, उनके मिशन को कामयाब करना आगे बढ़ाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उनके मूवमेंट को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने ये कहा 18 मार्च 1956 को, मेरी बात पर जोर करना नौजवान साथियों, अगर आप कहते हो कि आप एक पैर पर खड़े हो, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप बाकी स्पीच एक पैर पर खड़े होकर दूंगा। लेकिन मेरी बात पर गौर करो, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। कहा या नहीं कहा? उन्होंने ये भी कहा जो बात कोई नहीं बताता, उन्होंने कहा कि मैं चैन से मरना चाहता हूं, मैं बूढ़ा उतरा हूं, मैं बीमार रहता हूं, जो मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका 10% भी नहीं कर पाया। उन्होंने हमसे भी ये कहा जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो सबके लिए था, उस समय के लोगों के लिए भी, आज हमारे लिए भी, कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन का बंबू बन के, इस आंदोलन का सिपाही बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं चैन से मरना चाहता हूं, अगर नौजवान इसकी जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। उनका सपना था, उनके साथ साथ मेरे गुरु मेरे रहबर कांशीराम साहब का भी यह सपना था कि देश पे लोकतंत्र के जरिए कमजोर वर्ग के लोग की हुकूमत आए, वो देश का हुक्मरान बने। उन्होंने कहा भी है, जिस बात का जवाब मैंने आपसे मांगा, उन्होंने कहा कि हुक्मरान समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, हुक्मरान समाज की मूछे नहीं काटी जाती, हुक्मरान समाज की हत्याएं नहीं होती, हुक्मरान समाज का हाथ ऐसे फैला नहीं होता। उनका भी सपना था कि देश में कमजोर वर्ग के लोग आ जाए, उसलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी वोट का सदुपयोग करो, अपनी वोट के जरिए अपना राज लाओ। क्या उनका सपना पूरा करना उनकी नस्लों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस देश के संविधान को खतरा है, खतरा किससे है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किससे खतरा बताओ, किससे खतरा बताओ दोस्त, खतरा आपसे। मेरी बात को मजाक में मत लो, सच बता रहा, क्योंकि जिसका जिसको ज्यादा जिस चीज से मिले उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे आप अपने घर की रक्षा करते हो, उसी तरह संविधान की भी रक्षा करो, आपकी लापरवाही की वजह से देश के संविधान खतरा है, वरना मुफ्ती में लोगों की हिम्मत है कि वो देश के संविधान को खतरा पहुंचा दे? मैं आपसे अपील करता हूं, आप में से कितने लोग मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बताओ। चलो ठीक है, फिर मेरी एक बात पे गौर कर, सच्ची मोहब्बत ये नहीं होती जो आप हाथ उठा के बताते हो,
सच्ची मोहब्बत तब मानी जाए अगर आप कल से काम पे लग जाओ और अपने पैरों से अपने सस्ते साधनों पे मोटरसाइकिल साइकिल पैदल जा जाके पूरे मध्य प्रदेश में ये ऐलान कर दो कल से कि अब हम यहां गुलामी नहीं करेंगे। आप ये ऐलान कर दो, उसके साथ साथ आप ये भी तय करो, गौर करना मेरी बात पे, कि जो भी भारतीय संविधान का अपमान करेगा, जो भी हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन करेगा, रैली निकालेगा हमारे आरक्षण के खिलाफ, दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ, जो भी हमारे एक्ट के खिलाफ रैली आंदोलन करेगा, जो हमारे देश के संविधान को बदलने की बात करेगा, ऐसे समाज और ऐसे दल को हम लोग तीन चीज देना बिल्कुल बंद कर देंगे, चाहे वो हमारा दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो हमारा जो है करीबी क्यों ना हो, ना तो हम उन्हें दान देंगे, ना हम उन्हें सम्मान देंगे और ना ही हम उन्हें मतदान देंगे। हम दान अगर देंगे तो देंगे स्कूलों में कि गरीब के बच्चे भी स्कूलों में पढ़ पाए, अगर हम सम्मान देंगे तो उसको देंगे जो हमारे समाज का सम्मान करेगा, और अगर हम मतदान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को करेंगे। बस जिस दिन आपने मन पक्का करके ये घोषणा कर दी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है, जिस दिन आपने घोषणा कर दी, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी की मां ने दूध भी पिला के अधिकारों के खिलाफ उनकी समाज का एक व्यक्ति सड़क पे आ जाए। और जब तक आप अपने थोड़े थोड़े लाभ के लिए उनके उनकी गुलामी करोगे, उनको वोट दोगे, तो वो उस वोट के जरिए ताकतवर होके आपके समाज का ये शोषण करने का काम करेंगे। आपसे सावधान होना है खुद को, आपको अपने अंदर अपनी जो क्षमता है उसको स्किल को डेवलप करना है और गांव गांव जाके अपने समाज को जागरूक करना है, अपनी बहनों को भी अपने भाइयों को भी। एक और अपील करूंगा आपसे, मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो अंधविश्वास और पाखंडवाद छोड़े, ये भी मेरी आप लोगों से अपील। दूसरा, वो तमाम तरह के नशे छोड़े, इन लोगों से मुकाबला करने के लिए हमें योद्धाओं की जरूरत है, और जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जो नशा करता है, जो शराब पीता है, जो तमाकू गुटखा खाता है, वो अंदर अंदर कमजोर हो रहा है, वो कैसे अपने समाज की रक्षा करेगा, ये बात आपको सोचनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे ये अपील है, अगर आप ज्यादा ना कर पाओ तो इन पे रोक लगाने का काम करो। हमारा समाज इस बंदर में फंसा हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक रूप की सारी गुलामियों से हम लोग समाज को निकालने का काम करें। अब हमारे साथियों ने कुछ कागज हमें सौंपे हैं, जैसे नेमावर हत्याकांड में जो सीबीआई की जांच है, पहले तो वो कर नहीं रही थी सरकार, अगर कराई भी है तो उसको प्रेम प्रसंग बता के जांच खत्म कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं नाम के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री से, जात के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री से, कि अगर प्रेम प्रसंग भी था तो उन पांच वस्तु समाज पांच लोगों की हत्या का जवाब कौन देगा, मुख्यमंत्री ये बताएं। यहां दलित समाज के लोगों की घोड़ी पे चढ़ने में बरातें रोकी जाती है, मेरा आपसे निवेदन है अब की बार जहां बरात रोकी जाए, आप वहां कम से कम 100 घोड़ों का बरात निकालना, एक काराकोट तहसील भानपुरम में आदिवासियों को धर्मशाला नहीं बनाने दे रहे। मैं तो पहले कह रहा हूं कि गुलाम को कोई अधिकार नहीं होता, अगर आपको अधिकार चाहिए तो मालिक बनो, और मालिक बनने के लिए
तलवार भाला नहीं चलाना, ये लोकतंत्र है। राजतंत्र में राज जो है वो तलवार भाला बंदूक से ले आता, लाठियों से ले आता था। अब तो आपको इंजन का बटन दबाना है और राज अपने हाथों में ले लेना है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आदिवासियों में, दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, बौद्धिस्टों में, जैन में, सिख में, ईसाइयों में, पारसियों में, यहूदियों में भाईचारा पैदा करें। आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र की भी समस्या है। मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे बार बार, सोलह अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है कि एक और सामाजिक न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने जा रही है। इस बार मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा तो आपको इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे एक और वो कर रहा हूं कि यहां की विधानसभाओं पे कब्जा करने के लिए मैं बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश में साइकिल या पैदल के माध्यम से यात्रा करने जा रहा हूं। आप सब लोग कमर कसें। उस यात्रा के जरिए हम गांव गांव में सर्व बहुजन समाज को जगाने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% ओबीसी को 52% सीटें देने का काम करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे। आदिवासियों को भी उनकी संख्या के हिसाब से और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उनकी संख्या के हिसाब से प्लस भाईचारा बना के जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लड़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग जो है रिजर्व सीटों तक शामिल नहीं रहेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है मुझे सौंपी गई है, जो आयोजन कमेटी है, गोपाल, प्रिंस सूर्यवंशी, मंगलेश, राकेश, गुफरान, फिरोज, सुनील, अर्जुन, तालिब, अल्ताफ, अर्जुन, कमलेश, सानू, यह जो कमेटी है मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रभारी रविन्द्र कुमार भाटी जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार रस्ते जी, बीआरबी के प्रदेश संयोजक सुनील कुमार बैरसिया जी, विनोद यादव अम्बेडकर जी, हेमराज बोध जी, हमारे सीनियर बाबू जी, हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी दत्तू मेरे जी और जो तमाम साथी यहां काम कर रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी जी, मैं आप सब साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प ले लिया है तो कर दो ऐलान कि जाओ लगाओ पूरा जोर। इस बार आजाद समाज पार्टी का इस शोर जो है मध्य प्रदेश में सुनाई देगा। आप सब लोगों ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, आप सब मेरी जय जयकार करने से आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। एक मिनट, ये कहना मेरे संघर्ष पे प्रश्न चिन्ह लगाना है। कोई एक ऐसी घटना बताओ पूरे देश में जहां अन्याय अत्याचार होता और भीम आर्मी हम लोग संघर्ष ना करते हो, और हम तो रोज संघर्ष कर रहे हैं, फिर संघर्ष की क्या बात आई। 2 साल पहले का एक मामला है वाइड नगर थाने का, प्रभारी है जितेंद्र पाठक, सोहेल हत्याकांड, पुलिसकर्मियों ने मारा, मुकदमा दर्ज हुआ 201-302 में, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं यहां के मुस्लिम समाज के भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, निकम्मों का भरोसा छोड़ दो और बहुजन समाज में एकता बना के काम करने वाले लोगों को मौका दो
और फिर देखो कि कोई भी व्यक्ति अन्याय अत्याचार करने से पहले 2000 बार ये सोचने का काम करेगा कि लोगों को सताना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन के साथ, आप जितनी जिम्मेदारी से आए हो उतनी जिम्मेदारी से पूरे अनुशासन में जाने का कार्य करोगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां के प्रशासन से कहना चाहता हूं, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की, इनका धन्यवाद, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र से अपने घर तक नहीं पहुंचाते। अगर कोई माहौल खराब करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी करने का काम करेगा तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार और यहां का प्रशासन और पुलिस होगी। अगर मेरे कार्यकर्ता की तरफ एक लाठी या एक उंगली उठेगी तो पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। तो जब तक सह सम्मान हमारे कार्यकर्ता अपने गंतव्य को ना पहुंचाए, आप अपनी पुलिस को अलर्ट कर दो, और अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो उसको भी ये बता दो, मैंने इन्हें संविधान का पालन करना सिखाया है। जिस दिन मैंने इनसे सामना करने के लिए कह दिया, उस दिन इस धरती में पलड़े आ जाएगी, ये बात आप लोग याद रखो। इसलिए मैं भी आपसे दोबारा पुनः अनुरोध कर रहा हूं, एक तो मैं इन बहनों से जरूर मिलूंगा जो माए बहने बैठी हैं, आप लोग इनसे दूर हो जाए, मैं मीडिया से बात करके वहां आऊंगा। दूसरी बात, पूरी जिम्मेदारी से एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए आप लोग घर जाएंगे और सबकी सूचना लेंगे। एक बार पुनः मोबाइल के लाइट चलाकर दिखा दो, कहीं आज सभा से पहले चले तो नहीं गए हो। पुणे, मध्य प्रदेश, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम बहुजन समाज के लोगों का दोनों हाथ उठाकर अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बस इसी ताकत के साथ एक साल मेहनत करते रहिए, जो पुलिस और प्रशासन आप पे अत्याचार कर रहा है वो आपको सलाम देने का काम करेगा, आपको सुरक्षा देने का काम करेगा, मेरा आप लोगों से वादा। बहुत बहुत धन्यवाद।